गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सर्च पेपर के अंतर्गत आत्मवर्णन के आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पूर्व का वीडियो है उसमें हम आत्मवर्णन की डेफिनेशन कर रहे थे। सबसे पहले हम उस डेफिनेशन के बाद ही इस आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक डेफिनेशन और है, परिभाषा जो एक परिभाषा और आज बताते हैं। इसमें ये जो डेफिनेशन है वो है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार इन्होंने जो आत्मवर्णन है उसकी जो डेफिनेशन दी है उसमें आत्मवर्णन के अंतर्गत एक व्यक्ति व्यक्ति अपने अर्जित एवं जन्मजात अनुभवों विचारों विचारों भावों मूल्यों मूल्यों एवं विभिन्न प्रकार के व्यवहारों व्यवहारों का वर्णन वर्णन समाज उपयोगी संदर्भ में करता है। आत्मवर्णन वर्णन का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंधारणा स्वयं जागरूकता स्वयं दृष्टिकोण दृष्टिकोण
में संरचना। स्वयं संरचना एवं स्वयं के दार्शनिक विचारों से होता है। चारों से होता है। इस डेफिनेशन में जो श्रीमती आर के शर्मा है उन्होंने आत्मवर्णन के संबंध में जो परिभाषा दी है उस परिभाषा में आत्मवर्णन क्या है, एक व्यक्ति के अपने जो अर्जित अनुभव है, जन्मजात जो से अनुभव मिलते हैं जन्म से ही, और जो वातावरण में रह करके अर्जित करता है। ठीक है, तो ये अर्जित और जन्मजात जो अनुभव है, ये अनुभव के साथ ही विचार, भावनाएं, मूल्य और विविध प्रकार के व्यवहार जो वो परिस्थितिवश परिवार में, समाज में करता है या विद्यालय के अंतर्गत एज ए स्टूडेंट अपना बिहेव प्रदर्शित करता है, उनका वर्णन समाज की उपयोगिता के संदर्भ में करता है। तो वही व्यवहार उपयोगी होगा जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का अहित न हो। तो इस संदर्भ में जो समाज उपयोगी संदर्भ में करता है, इस प्रकार आत्मवर्णन का संबंध जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इस रूप में जो हमारे स्वयं की अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हमारा हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जागरूकता है, स्वयं के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, अपने आप के प्रति जो विचारधारा है, जो स्वयं दृष्टिकोण है, स्वयं संरचना है, जो हमारे इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर जो हमारे अंदर भाव गुण विचार ये सब जो है उसके आधार पर जो हमारी स्वयं की संरचना, हम अपने आप की पहचान के लिए जो संरचना बनाते हैं, साथ ही स्वयं के जो भी फिलोसॉफिकल विचार है जो हमें वातावरण से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं और हमारे विद्यालय के अनुभव के आधार पर हमें गेन होते हैं, जिससे हम अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं, हमारा दर्शन हमारा एक आइडियोलॉजी को से संबंधित होता है। तो इस प्रकार ये आत्मवर्णन है और इस आत्मवर्णन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम हमारी प्रायोरिटीज किसे देते हैं। आत्मवर्णन में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन की प्राथमिकताएं, जीवन की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी, हम किसे हमारे अनुभव जब गेन होंगे, जब हम हमारे जीवन की जो प्रायोरिटीज है उसको एम्फेसिस देंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर क्या होंगे हमारे कार्य व्यवहार होंगे, हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर और हमारे विद्यालय के अंदर। तो उसी प्रायोरिटीज के आधार पर हम अपने कार्य व्यवहार को स्टार्ट करते हैं और उसी के आधार पर फिर आगे जाकर हमारे एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, हमारे विचार बनते हैं, भाव बनते हैं, और वही जब हम समाज के संदर्भ में उसका वर्णन करते हैं तो वो आत्मवर्णन है। तो जैसे कोई भी दैनिक कार्य है हमारा, हम उसे पूर्ण करते हैं जो समाज के लिए सही है, परिवार की दृष्टि से सही है, तो वह जब और इस व्यवहार को जब हम करना सीख जाते हैं तो उसके आधार पर ही हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं, हमारी भावनाएं बनती हैं, और जब उस व्यवहार को हम समाज की दृष्टि से एसेस करते हैं तो वही हमारा, और जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा आत्मवर्णन होता है। और इस प्राथमिकता के आधार पर जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं, उस कार्य व्यवहार के आधार पर यदि हमें कष्ट भी सहना पड़े तो हमें क्या करना है, कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो समाज की दृष्टि से तो हितकारी है लेकिन हमारी पर्सनल जीवन की प्राथमिकता की दृष्टि से हितकारी नहीं है, इसलिए हमें उसमें दुख
प्रकार हम अपने कष्ट सहना भी एक प्रकार से हमारी नैतिकता है, और इस नैतिकता के भाव के आधार पर ही हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, उसके आधार पर ही हमारे जीवन का दर्शन डेवलप होता है, हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, और ये सब क्या करती हैं, हमारे आत्मवर्णन में हेल्प करती हैं कि जब हम अपने बारे में अब किसी को बताते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं अपनी सोच को, तब वो आत्मवर्णन है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, जिसमें है आत्मवर्णन की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व। इसमें कुछ बिंदु हैं, इस बिंदुओं के आधार पर ही हम आत्मवर्णन को एक्सप्लेन करेंगे, और जो सभी में उद्देश्य की दृष्टि से, आवश्यकता की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से लिखे जा सकते हैं। तो अब आत्मवर्णन की आवश्यकता उद्देश्य एवं महत्व। तो ये जो है हमारे, अब इसको हम सबसे पहला बिंदु है, सबसे पहला ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य। क्योंकि आत्मवर्णन में क्या करते हैं, हम अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, जो हमारे जीवन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से गेन हुई है, उसी को क्या करते हैं, हम प्रस्तुत करना सीखते हैं। और इसके अंतर्गत किसी व्यवहार के प्रति हमारी जो सोच है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम इसको भी इसमें एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे भाव हो गए, विचार हो गए उसके प्रति, और इसको प्रकट करने की योग्यता ही क्या है, हमारा प्रस्तुतिकरण है, और ये प्रस्तुतिकरण ही हमारा आत्मवर्णन कहलाता है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण करने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी हमारी सोच है या तथ्य है या विचार है, इनको हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इन्हीं विचारों को हम क्या करते हैं, एक प्रकार से सुसंगठित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में मेन है कि हम जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो क्या हो, सबसे पहले तो क्रमबद्ध हो और ऑर्गेनाइज हो। जैसे हम अगर एक एग्जांपल देती हूँ, हम अपने जीवन का एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी भूल नहीं सकते, अविस्मरणीय जिसे कहते हैं, हम जब उसको प्रस्तुत करेंगे तो सबसे पहले क्रमबद्धता होनी चाहिए, और जो भी हम तथ्य या विचार या भाव उसको प्रस्तुत कर रहे हैं वो सारे ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अब इसके साथ ही अब इन दो इंपॉर्टेंट प्रस्तुतिकरण में दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है क्रमबद्धता और दूसरी है सुसंगठित। तो ये दोनों ही प्रस्तुतिकरण में आवश्यक है। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को अपने आप को स्वयं प्रस्तुत करने का अवसर दे, ताकि वह खुद के मन के जो तथ्य हैं, विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, इनको क्या करे, प्रस्तुत करना सीखे। तो धीरे धीरे जब अपने भावों को प्रस्तुत करना सीखेंगे एलिमेंट्री स्तर पे ही, तो धीरे धीरे उनके जो विचार है, तथ्य है, वो ऑर्गेनाइज होंगे और सीक्वेंस के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये इसका पहली आवश्यकता है, महत्व भी कह सकते हैं और उद्देश्य भी कह सकते हैं। अब दूसरा आता है सेकंड, तर्क शक्ति का विकास करना।
अब तर्क शक्ति के विकास के लिए आत्मवर्णन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है लॉजिकल थिंकिंग। और लॉजिकल थिंकिंग कब आती है? जब व्यक्ति किसी व्यवहार व्यवहार या कार्य के प्रति अपनी सोच बनाता है, अपनी सोच बनाता है। अब ये सोच जो है वो इसको हम इधर ना लिखे। अब ये जो सोच जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक भी और या नकारात्मक भी हो सकती है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो इस प्रकार जब व्यक्ति आलोच किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपना सोच अपना नजरिया प्रस्तुत करता है तो वो अच्छे और बुरे की जब समझ उसमें विकसित होती है तो तर्क के आधार पर वो उसे खंडित करता है। तो जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं सत्य के पुजारी थे। अब ये तथ्य बिल्कुल सही है, सत्य के बिल्कुल सटीक है और इसमें जो व्यक्ति की सोच विकसित होगी वो सकारात्मक प्रस्तुत होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी विचार कोई भी व्यवहार किसी के द्वारा भी किया जा रहा है हम उसे अपनी तर्क के आधार पर तोल करके उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आत्मवर्णन के अंदर तर्क शक्ति का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। थर्ड इसमें जो एस्पेक्ट आता है वो थर्ड एस्पेक्ट है चिंतन शक्ति का विकास। अब तर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चिंतन करना, क्योंकि बगैर चिंतन करे तर्क शक्ति नहीं हो सकती। अब चिंतन चिंतन इसमें हमारे समाज में जितने भी व्यवहार हो रहे हैं कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, अब इसमें जो एग्जांपल है वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। आज के समय में हमारी सामाजिक कुरीतियां, ये सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह है, बहिष्कृता है और बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल जो परंपराएं थी वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। तो उन जो भी हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उनके प्रति क्या करेगा बालक? चिंतन करेगा और चिंतन करने के साथ ही उनके जो सही और गलत आस्पेक्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। और चिंतन ही क्या है, जब प्रस्तुतिकरण आता है तो वो क्या आ जाता है? आत्मवर्णन आ जाता है। तो चिंतन शक्ति के विकास के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है किसके लिए? आत्मवर्णन के लिए। जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक किसी भी पक्ष के चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है उस पहलू पर विचार नहीं कर सकता। तो चिंतन भी एक इम्पोर्टेंट वो है। अब है चौथा इसमें, ये है प्रतिभाओं प्रतिभाओं के ज्ञान एवं विकास के लिए विकास हेतु। अब व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रतिभाएं हैं, कौन से गुण है, उन प्रतिभाओं का ज्ञान कब होगा? जब बालक अपने स्वयं को पहचानेगा। और स्वयं को पहचानने के लिए स्वयं के अंदर जो गुण है योग्यताएं हैं प्रतिभाएं हैं उनको पहचानेगा। और उनको पहचानने के बाद इस प्रकार के अवसरों का उपयोग करते हुए अभ्यास करेगा और अपने उस टारगेट को अचीव करेगा जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसकी प्रतिभाओं में वृद्धि करे। तो आत्मवर्णन एक ऐसा एरिया है और इसके लिए बालक के अंदर छुपी प्रतिभाओं का ज्ञान होना उसे आवश्यक है और उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उस प्रतिभाओं के विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जब बालक के अंदर प्रतिभाएं हैं उसका ज्ञान है विकास है तो वो उसका आत्मवर्णन कर सकता है। सपोज कीजिए एक पेंटर है, एक ड्राइंग अच्छी बनाता है पेंटर, तो ड्राइंग उसको अपनी प्रतिभाओं का ज्ञान है तो प्रतिभाओं के ज्ञान के लिए भी आत्मवर्णन आवश्यक है। और उसी फील्ड में जब वो आगे अपना डेवलपमेंट करेगा तो डेवलपमेंट के लिए भी आत्मवर्णन की आवश्यकता।
अंकित कौशल, जैसे हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स की भी बात करते हैं, हम बीएड के अंदर जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं तो इसमें विविध कौशलों के विकास के लिए भी आत्मवर्णन आवश्यक है, क्योंकि विविध कौशल जैसे टीचर ट्रेनिंग में एक ट्रेन टीचर बनने के लिए हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के स्किल्स होना आवश्यक है। हमें जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनकी जानकारी और उनका एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। जैसे माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेटेड टीचिंग है, लेसन प्लान बनाना है, डिफरेंट टाइप की विधियों को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के इनोवेशन हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम टीचिंग है, पैनल डिस्कशन है, ये सारे क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स है। अब इनकी भी हमें यूज करना, इनका एप्लीकेशन करना आना चाहिए और इनके विकास के लिए भी आत्मवर्णन आवश्यक, क्योंकि जब तक इनके विकास को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक इनका, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के अंदर अभिव्यक्ति कौशल भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी एक स्किल है, तो ये सब आना चाहिए। और आत्मवर्णन के लिए अभिव्यक्ति स्किल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भी ये आवश्यक है। नेक्स्ट में है आत्मविसंगतियों का उन्मूलन, आत्म विसंगतियों का उन्मूलन। अब आत्मविसंगतियां कहां होती है, सबसे पहले तो बालक के मन में जो ग्रंथियां बन जाती हैं, जो ऐसी क्रोध करना, जो हम कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, किसी व्यक्ति के नेगेटिव एस्पेक्ट जो उसके आत्म की पहचान कराने में या आत्म के डिस्क्रिप्शन करने में एक अवरोध पैदा करते हैं, तो वो मन स्थिति का ज्ञान बालक को आत्मवर्णन कराता है, जिससे बालक अपने अंदर की मानसिक विसंगतियां, कि ज्यादा क्रोध करना है, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, तो ये सारी विसंगतियों से धीरे धीरे दूर करता है। और इसके लिए क्लासरूम में शिक्षक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बालक की विसंगतियों का उन्मूलन करता है। और इसके पश्चात है सत्य की खोज के लिए। अब सत्य क्या है, सत्य की खोज हेतु, सत्य की खोज हेतु भी एक इम्पोर्टेंट है। सत्य यानी जो भी आज तक हम अपने जीवन के एक्सपीरियंस के अंतर्गत जितने भी महान पुरुष, विद्वान, दार्शनिक, शिक्षाविद हुए हैं, अब इनके विचारों में कितनी सत्यता है, इस सत्यता को जानकर, उसकी खोज करके और उसका जो वर्णन करते हैं, तो भी हमें उस सत्य के बारे में, उसके सही और आज के रेलेवेंस में सोसाइटी में उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता सिद्ध होती है। तो सत्य की खोज के लिए भी आत्मवर्णन आवश्यक है। अब इसके पश्चात आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा अनुभवों का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि आत्मवर्णन व्यक्ति या बालक तभी कर सकता है जब उसके जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जो बेनिफिट हो, और इन एक्सपीरियंसेस को जब स्टूडेंट या कोई भी पर्सन है वो गेन करता है, और जब उसे अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अभिव्यक्त करता है, तो इसमें भी जब डिस्क्रिप्शन दूसरों को कर रहा है तो वही आत्मवर्णन है। तो अपने जीवन में पहले के जो अनुभव है और आगे आने वाली सेम सिचुएशन आती है तो उसमें वो अनुभवों का लाभ उठा सकता है, जिसे हम एज अ बीएड कोर्स के अकॉर्डिंग भावी जीवन में उपयोगी उद्देश्य भी लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है सर्वोत्तम व्यवहार के लिए, सर्वोत्तम व्यवहार के लिए, यानी सर्वोत्तम व्यवहार, क्योंकि हमारे व्यवहार का ही हम जब एनालिसिस करते हैं कि हम जो सोसाइटी में बिहेव कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए अनुकूल है कि नहीं, उचित है कि लिए नहीं, तो जब हम इसका असेसमेंट करते हैं तो जो समाज के लिए बेनिफिशियल होता है, सिग्निफिकेंट होता है, हम उसी व्यवहार को आगे कंटिन्यूसली जारी करते हैं। तो सर्वोत्तम व्यवहार के लिए भी हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन आवश्यक है। और एट द लास्ट पॉइंट जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ नेक्स्ट, और द लास्ट पॉइंट आत्मविश्वास की भावना के विकास के लिए,
आत्मविश्वास की भावना के विकास हेतु। अब आत्मविश्वास कब होगा? जब बालक में अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को अभिव्यक्त करने की कौशल विकसित होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जब उसके अंदर कुछ गुण और प्रतिभाएं विद्यमान होगी। और इन गुण और विद्यमान, सपोज कीजिए कि वो प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, और क्रिकेट प्लेयर को उसके कोच ने कहा कि हाँ तुम एक अच्छे बॉलर हो तो तुम इसकी प्रैक्टिस करो। और जब वो अच्छी बॉलिंग करता है और जब टूर्नामेंट्स या अदर कोई कॉम्पिटिशन होता है उसमें एक अच्छा पार्टिसिपेट एज अ बॉलर करता है, तब उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर हूँ, एक अच्छा बॉलर हूँ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से, उसके इस कार्य व्यवहार से उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और इस आत्म कॉन्फिडेंस का जब वो डिस्क्रिप्शन करता है तो वो हमारा क्या आ जाता है, आत्मवर्णन के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार ये ऑल ओवर सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम चाहे आवश्यकता के फॉर्म में लिखें, उद्देश्य के रूप में लिखें या इम्पोर्टेंस के रूप में लिखें, तो हम इन सभी पॉइंट्स को क्या करें, अपने एज अ रिक्वायर्ड ऑफ योर क्वेश्चन जो आपके बुड्ढा को किया जाएगा आपके फर्दर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप इन्हें उसी रूप में इन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो आत्मवर्णन है, आत्मवर्णन क्या है, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आत्मवर्णन आवश्यक है। क्योंकि तो जब तक बालक अपने आप की अभिव्यक्ति करना नहीं सीखेगा, अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना नहीं सीखेगा, तब तक वो अपने आप को डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। अपनी योग्यता और डिस्क्रिप्शन तब करेगा जब उसके अंदर अपने अंदर निहित गुण और योग्यताएं विद्यमान होगी, वो स्किल होगी जिसके द्वारा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एट द लास्ट अब आपका असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आत्म वर्णन की परिभाषा बताते हुए भाषा बताते हुए इसके उद्देश्य आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। अब इसका जो आंसर है आपको वो 300 वर्ड्स में करना है, बिकॉज आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन आंसर्स को क्रिएट करके रखना है। और जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-10 बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपना ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फेस पे सदा मास्क लगा करिए, बाहर रखिए और फेस पे लगाते समय ध्यान रखिए कि आपके नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ हो। 2 फीट सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बार बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें, कम से कम 20 सेकेंड तक इन्हें साफ करें। और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बनाकर लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। खांसी, छींक, सर्दी, जुकाम या बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तब तुरंत जाकर के डॉक्टर से ला लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।